सामान की तरह इंसान भी दुकान पर बिकेंगे. हर टाइप के इंसान की दुकान लेकर आ रहे हैं कपिल एज शॉपकीपर, श्वेता एज अ क्लाइंट एंड मुबीन एज रेडीमेड इंसान. हेलो, यस, देखो माल मेरी जल्दी पहुंच जाना चाहिए, मेरे को बड़ा ऑर्डर ज्यादा आए हुए. और बुड्ढे की टांगे मत भिजवाओ यार, जवान के लिए चाहिए थी. बुरा क्यों नहीं लगेगा? पिछली बार भी वो जरान श्रुति के वो खोपड़ी बुड्ढी की लगा दी तो कस्टमर नाराज होते. हद करते आप. और बाल अच्छी कंपनी के भिजवाया करिए आप, इतने घटिया बाल भिजवाते हैं आप. कभी कभी बगल में लगाने पड़ जाते हैं वो बाल. और कभी कभी तो बगल वाले इतने ज्यादा गंदे होते हैं कि अब क्या मेरे मुंह से सुनोगे सब कुछ? ऐसे नहीं होता. ठीक है, बच्चे आए हुए नए कैसे हैं? पर बच्चे मेरे को चाहिए नहीं. मेरे परसों मैंने 8 बच्चे मंगवाए और 3 बिके, बाकी 5 उधर ही पड़े रहे दुकान पे. इतने बदतमीज बच्चे सुसु कर करके बुरा हाल कर दे मेरी दुकान का. पैसे मांगो तो ऊपर से स्माइल देते हैं. हाँ हाँ ठीक है, वो सब चलेगा. और सुनो, 2 जोड़ी मां की आंख भिजवा देना यार. वो थोड़ी दादी की आंख पिछली बार गलती में भिजवा दी आपने. बंदा जो लेके गया था ना मां के लिए, वापिस करके गया मां को भी. बोलता कैसी घटिया आंखें दे दी, मां को और कम दिखाई देना शुरू हो गया है. बोलता है कल से कॉमेडी सर्कस देख रही थी, बोल के कहती है कि पहले तो सोहेली आता था, अरबाज भी आने लगा है. यार हमारी मैडम को अरबाज बोल रहा है. नो नो, दिस इज नॉट फेयर. अच्छा सुनो, 2 वो भी चाहिए. चल सुन, चल ठीक है, चल तेरे को टेक्स्ट करता हूँ मैं. हाँ ठीक है. और भाई आपसे तो पता चल ही गया होगा हमारा काम क्या है, पर फिर भी बता दूं क्योंकि बोर्ड है हिंदी में, भाई साहब ठहरे अंग्रेजी के शौकीन. और आपको तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस उम्र में दूर का दिखना बंद हो जाता है. परसों स्कूटर पे जा रही थी, ऑमलेट खा रही थी. मैंने कहा ये क्या कर रही है? कहती लिखा तो हुआ है स्कूटर पे ऑमलेट जरूरी है. मैंने कहा ऑमलेट नहीं, हेलमेट लिखा हुआ है. मैंने कहा हेलमेट लिखा हुआ है. कहती कोई बात नहीं, वो भी खा लेंगे. हम लोग इंसान तैयार करते हैं, हर तरह का इंसान देशों विदेशों में डिलीवरी की जाती है. ये श्रुति मेरे पास आई, कहती मेरे को 20-25 साल की बना सकते हो? मैंने कहा चली जा, मैं नहीं चाहता मैं बुजुर्ग पे हाथ उठाऊं, निकल जा बस. परमीत आया मेरे पास, परमीत आके मेरे को कहता 20-22 साल की हॉट लड़की बना दो. मैं कहा अर्चना को पता चल गया तो? कहता उसी को दिखाने की, देख ऐसी होती लड़कियां. अब मैंने लेकिन आपका फेवर लिया. मैं कहा क्यों बोल रहे भाई साहब ऐसी बात? अर्चना मैडम कितनी खूबसूरत जवान औरत है. कहता हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फायदा क्या? हरकत कोई भी नहीं है. कहता सुहागरात वाले दिन मेरे को कहती है कि जिसके हाथ में पहले दूध का गिलास आ गया वही पति. कहता है वो दिन है और आज का दिन है. कहता है मांग में सिंदूर नहीं लगाता, बाकी मेरी हरकतें पत्नी वाली है. ये बातें होती है पीठ के पीछे. फिर मेरे को बोलते हैं, कहते यार मैंने सुना तुम्हारा अर्चना कुछ चल रहा है. मैंने कहा सर लोग बकवास करते हैं. रोने लग पड़े. मैं कहा रोने वाली क्या बात है? कहते एक ही उम्मीद थी छुटकारा पाने की, वो भी छूट गई. हद हो जाती यार. खैर मेरा ये फर्ज नहीं बनता आप लोगों के घर की बातें सबके सामने करने का. मैं तो इसलिए कर रहा था कि जस्ट आपकी बदनामी कर सकूं. नमस्ते. नमस्ते जी. कैसे हैं भाई साहब? मेरी माँ का भाई साहब क्या कर रहे हो? लाखों रुपए खर्च करके तेरे को इसलिए बुलाया था मेरे को भाई साहब पे? इससे अच्छी सरगुन थी लाइनें चाहे कम बोले लेकिन भाई साहब ऐसा तो नहीं बोलती थी. खैर ये बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैंने सुना है कि तुम्हारे दुकान पर इंसान बनाए जाते हैं. जी बिल्कुल बनाए जाते हैं. कुछ भी बनवा सकते हैं. कुछ भी बनवा सकते हैं आप. क्या बनवाना है आपको? मुझे ना बॉयफ्रेंड बनवाना है. बॉयफ्रेंड बनाना? तो आप हुलिया बताइए किस तरह तैयार करते हैं. 6 feet tall. 6 feet tall. हाँ. तो मतलब 5,000 रुपए पर फीट के हिसाब से 6 feet का आपका 30,000 हाइट का हो जाएगा. 5,000 पर फीट? या तुम बॉयफ्रेंड बना रहे हो या बैंड्रा में फ्लैट? व्हाट डू यू मीन टू से? तुम्हें क्या लगता है बैंड्रा में रहने वाले लोगों के घर सस्ते होते हैं? वो लोग क्या सिर्फ बिरयानी और गाड़ियों में खर्चा करते हैं? व्हाट डू यू मीन? कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, मैं तो बस एग्जांपल दे रही थी. अरे क्यों डर क्यों रही? बिंदास बोल. जिस बंदे ने हमें काम ही नहीं देना डरना क्या? तू बोल ना, बोल खुल के बोल तू. मैं तो कहता हूँ 4 feet वाला बॉयफ्रेंड बनवा लो, बड़ा फायदे में रहोगी. बड़ा फायदा होता है 4 feet वाले बॉयफ्रेंड का. अरे तुम लोग रोमांस करते पकड़ के, ऊपर से कोई आ गया बोल देना पड़ोसियों का बिट्टू है, ट्यूशन पढ़ने आया था. वैसे भी लोगों ने बिट्टू बोल के घर में बच्चों जैसे पति रखे हुए हैं. तू डर मत. नहीं नहीं प्लीज, इतना छोटा बॉयफ्रेंड भी नहीं चाहिए प्लीज. मुझे 6 feet का ही चाहिए. और सुनो, गोरी चमड़ी यूज करना, काला या सांवला नहीं चाहिए. गोरी चमड़ी का लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, महंगी होती है. महंगी क्यों बताओ सहेल भाई? गोरी चमड़ी है. अरे हम कोल्ड क्रीम की बात कर रहे हैं, लंदन से लेके आए जो. मैं आपको लंदन भेज रहा हूँ, आपका ध्यान रशिया की तरफ है. मैं एक मिनट रुक जा. हेलो अरबाज खान प्रोडक्शन. अरबाज भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है ना? उनको मेरा हेलो बोलना. बोला कपिल का फोन आया था. हाँ तो वही जब तुम मुझसे पूछेंगे कौन कपिल तो बताना मत.
ठीक है ओके अच्छा ये बताओ तुम्हें लड़का कैसा चाहिए मॉडल टाइप बनाऊं कि ठीक ठाक सा एकदम हीरो टाइप अच्छा जिसके 6 packs हों और जो एकदम इनके बड़े भाई सलमान खान जैसा हो अच्छा 20,000 रुपया खर्च करके 250 करोड़ का बिजनेस करना चाहती तू बड़ी चला गई ये दे मैं बोल रहा हूँ सस्ता सा कोई बना देता हूँ नहीं नहीं प्लीज इतना सस्ता भी नहीं चाहिए कम से कम सुहेल खान जैसा तो हो तो मैंने और क्या बोला मैं फारसी बोल रहा हूँ क्या सुहेल खान सस्ते में बन जाएगा बन जाएंगे लेकिन प्रोसेस थोड़ा स्लो है स्लो प्रोसेस मतलब स्लो प्रोसेस मतलब जैसे तू कभी बोलेगी ना कि मेरे को शाम को 6 बजे का शो फिल्म में लेके जाओ तो लेके जाएंगे लेकिन अगले महीने लेके जाते हैं अगले साल लेके जाते हैं ये डिपेंड करता है थोड़ा प्रोसेस नहीं वो चलेगा लेकिन प्यार में स्लो नहीं होना चाहिए प्यार में नहीं स्लो वो तो तुम्हें फिल्म लेके जाएगा तुम पता चल जाएगा ऑडियंस देखेगी फिल्म उधर चल रही है इधर चल रही वो उस मामले में नहीं स्लो क्या हाँ सच्ची ऐसी रिएक्शन मत दे असली वाला उठ के आ जाएगा चलो टाइम भी नहीं लगेगा चप्पल ही पहननी खाली फटाफट आ गए हेलो सोहेल खान प्रोडक्ट नहीं नहीं मैंने अरबाज खान प्रोडक्शन से किया था अरबाज भाई कैसे ठीक है उनको मैंने हेलो बोलना ओके ये क्या बार बार अरबाज खान कैसे हैं क्या लगा रखा है अच्छा जो काम का बंदा उसको फोन ना करे रोज रोज इन्हीं का हाल पूछते रहे तेरे को पता है मेरे को अरबाज भाई का फोन आया कह रहे दबंग 3 करोगे मैंने कहा मैं कर तो लेता लेकिन मैंने डेट सारी दी हुई सोहेल भाई को शेर खान से क्लैश हो रही है कहते मेरे को सोहेल नहीं बोला है किसको ले लो मेरे को बार बार तंग करता है तो मैं इसलिए वैसे डिलीवरी कब तक दोगे डिलीवरी आप जब बताइए मेरे जब तैयार हो जाएगा मैं आपको फोन कर दूंगा ठीक है अच्छा ठीक टेंशन लेने की चीज नहीं है लेकिन उसे 25,000 रुपए एडवांस एडवांस क्यों एडवांस देखिए मैडम जिंदगी में कुछ ऐसी ठोकरें खाई है विश्वास नहीं रहा लोगों पे बिना एडवांस लिए हम लोग बुक नहीं करते कोई चीज अच्छा ठीक है 25,000 रुपए दे दिए ये लो ठीक है मैडम फोन करना हाँ जरूर जरूर मैं अच्छे टाइम पे बोली हो गई हम लोग मैंने असूल बना लिया मैडम बिना एडवांस के हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते नहीं माल पड़े रह जाते हैं आपको पता है मेरे को काजल ने कहा मेरे को अजय बना दो दोबारा से थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा रहता है मैंने जितना हो सका मैंने किया सीधा पहले से थोड़ा सीधा हुआ है लेकिन अभी देखो नाभी सेंटर से उधर के इधर चली गई मैंने कारीगर को बुलाया मैंने कहा ये क्या कहना भाई साहब कुछ भी कर लो एक आध चीज टेढ़ी रहेगी रहेगी माल पड़ा रहता है इधर मैं फोन करके पहले लड़की के बॉयफ्रेंड का इंतजाम करूं धंधा चलना चाहिए हेलो चरणदास मैंने लड़की हाँ एक लड़की को बॉयफ्रेंड चाहिए हाँ मेरे पास कच्चा माल नहीं आ रहा है तो मैंने जल्दी जल्दी मैं तू आ जा जल्दी हाँ तुझे चिपकाता हूँ जल्दी आ हेलो बस 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 ये बंदा देखिए आप दिल्ली से पंजाब बाई रोड जाएं सड़क के दोनों तरफ ऐसा आम पापड़ मिलता है इधर आवे मेरे पास कच्चा माल नहीं है एक लड़की आई बॉयफ्रेंड बनाने के लिए ठीक है मैं तेरे को चिपकाऊंगा उधर समझ में आया तू बोलना मैंने तेरे को अभी अभी सैंपल किया है ओके अरे लेकिन हमारे ऐसे काले लौंडे तो कौन लड़की पटेगी अरे तेरे को जानबूझ के बनाया मैंने ताकि तेरे को मना कर दे मेरे को अच्छी लगी मैं सेटिंग करूंगा उससे मैं तुम्हें फोन कर दे हेलो मैडम आपका बॉयफ्रेंड तैयार है जी क्या बॉयफ्रेंड तैयार है बाप रे इतनी तलब लगी फोन तो उठा लेती आप सीधा आपका बॉयफ्रेंड तैयार है मैडम इतनी जल्दी बस मैडम हमारा कुछ स्टाइल ऐसा है 15 दिन का बोल के 15 मिनट में तैयार कर देते हैं ऐसे नहीं हम लोग लोगों की तरह 2-2 साल बाद में पूछे पता नहीं आपका बॉयफ्रेंड तैयार है ठीक है कहाँ है मेरे सपनों का राजकुमार सपनों का राजकुमार तो पता नहीं सपनों का सुअर खड़ा है इधर हेलो ए चरणदास ये चरणदास है कि चरसदास पत्थर का थप्पड़ मारू तेरे इसका तो रंग निकल रहा है अभी सूखा नहीं ना गीला गीला बना अभी तेरे को कहा धूप में खड़ा रहे थोड़ी देर सूख गया तबे इतनी जल्दी आने की जरूरत थी मैडम जैसा आपने कहा था वैसे बनाया पूरी बात मानेगा आपकी आपकी शादी होगी सोचो आप दोनों के बच्चे कितने खराब पैदा होंगे शतरंज जैसे आधे सफेद आधे काले मजा आ जाएगा आपको नहीं प्लीज प्लीज मुझे ये नहीं चाहिए इससे अच्छे तो तुम हो यही तो मैं सुनना चाहता था चल बे फेस वैल्यू बड़ी ना मुंह काला करके आ गया तू चल चल यहां से अकल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का क्यों इंतजार कर रहे थे तुम ओह दबंग 2 का डायलॉग वो भी इस गेटअप में ये तो फिर चंकी पांडे को ऑस्कर दिलाने वाली बात हो गई ये तो चल बे निकल यहां से सरदार मुझे लड़की चाहिए ही चाहिए ओए एक अभी निकल गई है तेरे को भी मैसेज करवा दूंगा चैनल का समझ में आया ना चेक कर कोई बंदा तेरे को आई हो जब मैं मोबाइल चेक कर हमको मैसेज आ ही नहीं सकता क्यों बे
मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। उसके लिए चाहे मुझे तेरे मोबाइल गिफ्ट करना पड़े, लेकिन तेरे को निकलवा के छोड़ूंगा, थप्पड़ मारूंगा, देगा नहीं तेरे को। ये निकलवाने की 1500 से हमें क्या फर्क पड़ता है? 1500 से फर्क पड़ने की बात नहीं है, हमारा रेट नहीं बढ़ता, नंबर कम होते जाते हैं हमारे। पर आज तुम आई हो, कोई पता नहीं ज्यादा नंबर मिल जाए। थैंक यू। तो जजेस, इन्होंने अच्छी फरमाइश तो रख ली है, देखते हैं आप इनका दिल रखते हैं कि नहीं। आर्ची, जब इतनी सुंदर महिला का और खास तौर से महिला का आगमन होता है तो कहते हैं ना लक्ष्मी घर आती है, तो वाकई आपके नंबर बढ़ गए। थैंक यू मोबीन, बहुत क्यूटली किया आपने। और कपिल मेरे भाई, वेलकम बैक। थैंक यू मैम। थैंक यू। बिफोर यू आस्क सोहेल एनीथिंग, 10 पॉइंट्स एंड अ स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम अर्चना। सोहेल, आप कमेंट्स देंगे या इन्हें शेर खान की शूटिंग डेट्स बताएंगे? आई लव द टाइटल देर खान। सही वाक्यों पे ये एक्ट लिखा गया है, बट नेवरदलेस स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम सोहेल एज वेल। अनडाउटेडली द मोस्ट एंटरटेनिंग एक्ट। 10 पॉइंट्स। और हंसने हंसाने के लिए आप और हम फिर से यहीं आएंगे, ओनली ऑन सेंटर फ्रेश चूइंग गम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।